जो खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां बता दें कि महाधिवेशन को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होने वाली है। महाधिवेशन की तैयारियों को लेकर के ये बैठक होगी। कहा जा रहा है कि तैयारियों को अलग अलग समितियों की और यहां पर बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा तो वहीं सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे, तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है रायपुर से। कहा जा रहा है कि महाधिवेशन को लेकर के कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। इस वक्त ये बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा का एक बार फिर से रुख करेंगे। नेहा, महाधिवेशन को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। महाधिवेशन की तैयारियों को लेकर के ये बैठक है। कहा जा रहा है कि सभी अलग अलग समितियों की इसमें बैठक होगी। बिल्कुल, देखिए महाधिवेशन के ठीक पहले ये जो बैठक होने जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग तैयारियां पूरी है, लेकिन अधिवेशन पर जो प्रस्ताव रखने हैं, जो मुद्दे रखने हैं, उस मुद्दे को लेकर के आज की बैठक में चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से प्रभारी शैलजा जो कि काफी दिनों से यहाँ पर है, और वो ये बैठक लेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम पीसीसी चीफ और तमाम पदाधिकारी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। प्रस्ताव और मुद्दे के लिहाज से जो ये बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिवेशन की शुरुआत जो है वो कल से शुरू हो जाएगी। तो इसी में जो है स्टीयरिंग कमेटी की जो पहली जो बैठक होगी वो स्टीयरिंग कमेटी की होगी, और इसी की ठीक दूसरी भी बैठक यहाँ पर होगी। तो ये जो कमेटी है वो अधिवेशन के प्रस्ताव और मुद्दे को तय करेगी। इसके साथ साथ जो है सीडब्ल्यूसी चुनाव है और संविधान में परिवर्तन जैसे ये सारे विषय होंगे जिस पर जो है वो निर्णय लिए जाएंगे। तो फिलहाल ये जो बैठक है वो इसका शेड्यूल टाइमिंग नहीं आया है, क्योंकि आज काफी ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट है, तो उस हिसाब से ये बैठक जो है वो देर शाम भी हो सकता है और सुबह भी हो सकता है। तो फिलहाल प्रस्ताव और मुद्दे को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है नेहा, ठीक है, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।